तो गाइस सतोशी कोर जब लिस्टिंग हुआ तो 6 डॉलर से लिस्टिंग होने के बाद जो है मार्केट फेयर होने की वजह से डंप में चला गया और इसका प्राइस जो अभी 3 डॉलर के आसपास है। तो बहुत सारे लोग अभी भी इसको सेल कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसा अपडेट दे रहा हूँ जिससे आप सतोशी को सेल करना बंद कर दोगे और इसको होल्ड पे रखोगे, क्योंकि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज लेकर जाओगे और अर्निंग को अपना इंक्रीज करोगे। क्योंकि सतोशी का एक ऐसा अपडेट आया है जिससे सतोशी कोर माइनिंग का जो है आने वाले टाइम में प्राइस जो है 6 से 7 डॉलर को भी प्लस कर सकता है, पंप कर सकता है। क्योंकि अभी मैंने जो ट्विटर पे इसका सतोशी का ट्वीट देखा है, अगर ये वाला ट्वीट सही में हो जाता है और ये मीटिंग हो जाता है और कॉइन जो है लिस्ट होता है, तो आपको जो है कॉइन पे अच्छा हेवी, मतलब बोल सकते हो बहुत ही खतरनाक पंप देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ लाइव सतोशी के ऑफिशियल चैनल पे, यहाँ पर आप थोड़ा सा रोल करेंगे तो आप देख सकोगे कोर का जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो वाला। यहाँ पर आप तो एक ये आप देख सकते हैं, ये जो है बाइनांस के, जो है बाइनांस के साथ एम बाइनांस के साथ एएम का मीटिंग करने जा रहा है। एएमए मीटिंग होने वाला है लाइव। तो अगर ये मीटिंग बाइनांस के साथ होता है और बाइनांस के ब्लॉक चेन में कोर नेटवर्क लिस्टिंग होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्राइस जो है फिर से एक बार पंप करेगा, और पंप करता है तब जो है आप इसको सेल कर सकते हैं अगर आप सेल करना चाहते हैं तो। और मैं आपको बोलूँगा कि अभी जो है इसको थोड़ा सा होल्ड कर ले, अगर इसका कुछ नया अपडेट आता है लिस्टिंग का या मीटिंग के बाद जो क्या रिजल्ट होता है, लिस्टिंग होगा या नहीं होगा, उसके बाद जो है मैं आपको अपडेट दूंगा, तब आप चाहे तो इसको सेल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह का भी कोर को लेकर रिलेटिव क्वेश्चन है या किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ज़रूर से जो है कमेंट करें या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, आपको मैं उस प्रॉब्लम को रिलेटिव जो है आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। यहाँ पर तो है अभी कोर का प्राइस कुछ दिखा रहा है, मैं बाइनांस वाला पर लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पर बाइनांस में अभी जो लिस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन लिस्टिंग का बात चल रहा है, अगर लिस्टिंग होगा तो आपको जो है ये 3 डॉलर 9-10 डॉलर तक जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि आपका जो 75% तो कोर का माइनिंग लॉक होगा, लेकिन जो 25% अनलॉक है जिसको आप लोग सेल कर रहे हो, उसको अभी सेल मत करो, उसको थोड़ा टाइम के लिए वेट कर लो। हो सकता है अगर मार्केट डंप होता है तो आपको थोड़ा सा लॉस हो, लेकिन मार्केट फिर पंप करेगा कोर का, क्योंकि इसका जो है अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म में लिस्टिंग होना बाकी है, बहुत सारे ब्लॉकचेन में ये आना है। तो आप लोग इसको ज़रूर से थोड़ा सा वेट करके अर्निंग को अपना इंक्रीज कर सकते हो।